हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 साइंस के लिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स है क्या? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, ऑल आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में इनको बांटा गया है सिमिलरिटी के हिसाब से। यानी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो हर एक ग्रुप का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगे। लाइक अगर एसिड्स हैं तो सारे एसिड के प्रॉपर्टीज़ लगभग एक जैसे होते हैं, बेसिस के प्रॉपर्टीज़ एक जैसे होते हैं और सॉल्ट के प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर। तो इंडिकेटर है क्या? तो एसिड और बेस, ये दो सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। सपोज, चलिए आपको ऐसे ही समझाता हूँ। एक बीकर है, उसमें एक केमिकल कंपाउंड है, राइट? उस केमिकल कंपाउंड को आपको बताना है कि एसिड है या बेस है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? पुराने ज़माने में तो एसिड बेस का जो टेस्ट होता था वो चक करके किया जाता था, है ना? टंग टिप्स पर रख करके अगर उसका स्वाद खट्टा है, शोर है, तो वो एसिड है, और अगर बिटर है यानी कड़वा है तो वो बेस। बट बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जिनको जीभ पर रखने के बाद फिर जीभ टेस्ट करने के लायक नहीं रहेगा। दैट मीन्स वो बर्न कर जाएगा, है ना, घाव बना देगा वहाँ पर। इसलिए इनको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए केमिकल कंपाउंड्स को लाया गया जो कि ये बताए कि एसिड्स हैं या बेसिस हैं। अब मेरे बच्चे, इसको कैसे हम पता कर सकते हैं? कि आप कहोगे कि आपने तो बताया नहीं कि बीकर वाला क्या है, एसिड है या बेस है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर डालेंगे और उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो कलर के हिसाब से हम बताएंगे कि वो एसिड्स हैं, एसिड है या बेस है, राइट? लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसा कि हमने पहले भी कहा, एक डाई है या केमिकल कंपाउंड है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज डाई, है ना। इसे डाई को हम केमिकल कंपाउंड बोल सकते हैं, केमिकल कंपाउंड विच चेंजेस इट्स कलर इन एसिड एंड बेसिस। इंडिकेटर एक डाई है, केमिकल कंपाउंड है, जिसको कि एसिड या बेस में डालने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। 3 कॉमन इंडिकेटर। फर्स्ट है लिटमस, सेकेंड है मिथाइल ऑरेंज, और थर्ड है फिनॉप्थलिन, फिनॉल पाथालिन, है ना, फिनॉप्थलिन। ये 3 कॉमन इंडिकेटर है, आपको पेपर में पूछा जा सकता है। राइट द नेम ऑफ 3 कॉमन इंडिकेटर्स। तो लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉप्थलिन। लिटमस जो है ये नेचुरल इंडिकेटर,
नेचुरल इंडिकेटर्स, राइट। नेचुरल इसलिए कि एक प्लांट से ये मिलता है, उस प्लांट का नाम है लाइकेन, जो LICHEN, लाइकेन। लाइकेन प्लांट है जिससे कि हम लिटमस ऑप्टेन करते हैं। ड्यू टू सो इट इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज नेचुरल इंडिकेटर, राइट। बाकी ये दोनों आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड इंडिकेटर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल कॉमन इंडिकेटर के नाम बताइए, नेचुरल कॉमन इंडिकेटर का नाम होगा लिटमस, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर एसिड और बेस में इनके कलर किस तरह से चेंज होते हैं। तीन कॉमन इंडिकेटर बताएं, लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज और तीसरा फिनॉल पथलीन, फिनॉप्थलीन, राइट। अगर लिटमस आपके लैब में पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी मिलता है, लिटमस पेपर बोलते हैं उसको, इसका अपना कलर होता है पर्पल, ठीक है। ये लिक्विड भी होता है और पेपर भी होता है इसे। अब अगर इसको हमने एसिड में डाला, एसिड में इसका कलर क्या होगा भाई, रेड, है ना। अगर लिटमस के दो चार बूंदें हमने एसिड में डाला, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें दो चार बूंद डाल दिया, तो उस एसिड का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, राइट। अगर हमने बेस में डाला इसको, बेस में, तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू, है ना। तो हम लोग कहते भी हैं कि लिटमस पेपर दो टाइप के मिलते हैं लैब में, एक रेड और एक ब्लू, तो उससे हम लोग एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर होता है ऑरेंज। अगर इसको हमने एसिड में डाला तो सेम है, रेड हो जाएगा, और इसको अगर बेस में डाला तो येलो हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। देखिए लिटमस बच्चों, अगर आप पूरे वीडियो सही तरीके से देखोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 90% याद हो जाएगा यहाँ पर। सो एंड तक बने रहें आप, एंड तक आप देखो वीडियो। लिटमस का कलर होता है, खुद का कलर होता है पर्पल। अगर उसको एसिड में डाला तो रेड हो जाएगा और बेस में डाला तो ब्लू हो जाएगा। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज का कलर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑरेंज है। उसको एसिड में डाला तो रेड हो जाएगा और बेस में डाला तो येलो हो जाएगा। अब आई बात फिनॉप्थलीन का। फिनॉप्थलीन का कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस। अगर एसिड में डाला तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कलरलेस ही रह जाएगा, किसमें, एसिड में। और अगर बेस में डाल दिया, बेस में, तो ये इसका कलर हो जाएगा पिंक। वंस रिमाइंड, देर आर थ्री कॉमन इंडिकेटर्स, फर्स्ट लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, तीसरा फिनॉप्थलीन। अगर लिटमस को एसिड में डाला तो कौन सा कलर होगा, रेड होगा। बेस में डाला तो कौन सा कलर होगा, ब्लू होगा। मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर होता है ऑरेंज, इसको अगर एसिड में डाला तो रेड होगा और बेस में डाला तो येलो होगा। उसी तरह से फिनॉप्थलीन का कलर कोई नहीं होता, दैट मीन्स कलरलेस होता है। अगर इसको एसिड में डाला तो देयर इज नो चेंज, एंड इन बेस इट बिकम्स पिंक, राइट। उसके बाद कुछ अदर इंडिकेटर्स हैं, देखते हैं।
दो और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नेचुरल इंडिकेटर और इंडिकेटर्स। फर्स्ट है टर्मरिक, दूसरा है रेड कैबेज, है ना। टर्मरिक जैसा कि आप लोग जानते हो हल्दी है, इसका कलर येलो होता है, हल्दी है इसका कलर येलो होता है। एसिड में अगर डालो नो चेंज, यानी येलो ही रहेगा, और अगर बेस में डालो तो इसका कलर हो जाएगा रेड। किसमें? बेस में। अगर बेस में डालते हैं तो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है, टर्मरिक। जैसा कि अगर स्कूल ड्रेस वाइट है आपका, उस पर कोई सब्जी या करी कुछ गिर जाए तो वहाँ पर येलोइश कलर का निशान आ जाता है, लेकिन अगर उस पर रब किया जाए, सोप सॉल्यूशन डाला जाए, देन इट विल टर्न्स इनटू रेड, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा टर्मरिक के लिए, उसी तरह से रेड कैबेज, एसिड में कोई चीज नहीं होगा, नो चेंज, लेकिन अगर बेस की बात हम करें, बेस में अगर इसको हम डालें तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा पांच इंडिकेटर। पहला लिटमस, फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, लिटमस देखा, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, तीनों कॉमन इंडिकेटर्स थे, जिसमें कि लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर, और मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन जो है वो मैन मेड, दैट इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर। सबके कलर हमने देख लिए थे। उसके बाद दो नेचुरल इंडिकेटर और हमने देखे, टर्मरिक और रेड कैबेज। उसके बाद और इंडिकेटर है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है भाई? ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है? ऐसा इंडिकेटर जो कि किसी भी सब्सटेंस का स्मेल को चेंज कर दे, है ना, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स ऑफ विच स्मेल चेंज इंटू एसिड्स और बेसिस, है ना, आर नोन एज एज ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, समझ में आ गया। इसमें दो इंडिकेटर हमें पढ़ना है, एक है ओनियन और दूसरा है वनीला एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट यानी इससे निकला हुआ पदार्थ है, लाइक जूस, और उसी तरह से ओनियन एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये दो ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर है, आपको समझ में आ गया इसके डेफिनेशन, दोज इंडिकेटर्स ऑफ विच स्मेल चेंज, जिसका कि स्मेल चेंज हो जाए एसिड और बेस में, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। इसमें दो इंडिकेटर हैं, ओनियन एक्सट्रैक्ट और वनीला एक्सट्रैक्ट। ओनियन जानते हो, अच्छा आप बताओ आपको प्याज, कच्चा प्याज खाना अच्छा लगता है? नहीं ना, क्यों? बदबू आती है, राइट।
इसमें एक स्मेल होता है, अगर इसको एसिड में डाला जाए, एसिड में नो चेंज। ओनियन को काट करके आप एसिड में डालोगे तो उसके स्मेल चेंज नहीं होगा, जबकि बेस में अगर हम डालें, बेस में अगर डालें तो कैन नॉट डिटेक्टेड। वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें तो एसिड्स में कोई चेंज नहीं होगा इसका कलर, सॉरी स्मेल। और बेसिस की बात हम करें, बेसिस में कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो दोनों ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर जो है वो एक जैसे शो करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, एसिड में नो चेंज, यहाँ भी नो चेंज, लेकिन बेस में कैन नॉट बी डिटेक्टेड। आप लोग जानते हो वनीला का स्वीट स्मेल होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है ना, आप लोग बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। जो केक हम लोग लेते हैं वनीला फ्लेवर बहुत बच्चों को पसंद है, कोई चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं, लेकिन वनीला फ्लेवर भी होता है। तो वनीला फ्लेवर जो है वो बहुत ही प्लीजेंट स्मेल देता है इसका, लेकिन अगर एसिड में डालोगे तो कोई चेंज इसमें नहीं होगा इसके स्मेल में, लेकिन जब बेस में डालेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वो वनीला है या क्या है, राइट। तो इतनी सारे हमने आज इंडिकेटर्स पढ़े, और ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर वी कैन से वेदर द सब्सटेंस इज गिवन एन एसिड और बेस, ठीक है। ये सॉल्ट के लिए नहीं है, सॉल्ट को हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद बेटे अगर एक क्वेश्चन बताओ आप कि एक बीकर है ए और दूसरा है बी, दोनों में एसिड है, हमें पता है, क्यों, इंडिकेटर से पता है, कोई भी इंडिकेटर डाल के देख लो, दोनों एसिड है, लेकिन इनमें से कौन से स्ट्रांग एसिड है, कौन सा एसिड पावरफुल है, ये आपको ये सारे इंडिकेटर नहीं बता पाएंगे। इन ये सारे इंडिकेटर सिर्फ आपको बताते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है, लेकिन दो एसिड के बीच का जो डिफरेंशिएशन होता है हम लोग इसके हेल्प से नहीं कर सकते, या दो बेसिस का डिफरेंस जो है हम इन इंडिकेटर से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों को पढ़ना है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि एसिड बेस के बाद होगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स, उसके बाद बेसिस एंड देन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, है ना। सॉल्ट्स को हम लोग अलग पढ़ेंगे। बच्चों आई थिंक आपको ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।